नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। आज बात करेंगे मुद्दे में लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में भी अब चुनावी फोकस लोकसभा चुनाव का बढ़ रहा है। प्रदेश में बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगभग तय हो चुके हैं। पीएम मोदी प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां करने वाले हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी जल्द ही तय होने का अनुमान है। प्रदेश का सियासी पारा अब तेजी से चढ़ रहा है, चुनावी ऊंट किस ओर करवट बदल रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ प्रदेश सरकार में अल्पमत बनाम बहुमत वाली जद्दोजहद, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का समय सब साथ साथ चल रहा है। हरियाणा का चुनाव अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश में बड़े नेताओं की भी एंट्री होने वाली है। पीएम मोदी जहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बैक टू बैक 3 बड़ी रैलियां करने वाले हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम जल्द ही तय होने वाले हैं। यानी अब प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पारा तेजी से चढ़ने वाला है। पीएम मोदी के कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी नेता बड़े बड़े दावे करने लगे हैं, तो वहीं तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं, ताकि एक बार फिर से 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। मोदी जी की तारीखें तय हो गई हैं और जल्दी ही वो हरियाणा के अंदर जब समय आएगा तो समय के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। 3 स्थानों के ऊपर वो कार्यक्रम करेंगे और वो स्थान भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए, सभी दल आते हैं, परंतु एक व्यक्ति विकास की बात करने के लिए आएगा। मोदी जी विकास की बात कि हमने 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं जनता को वो बताने के लिए आएगा, और उसी के आधार पर लोगों से अपील भी करेगा कि आगे 2024 के लिए हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम और गति से विकास कर सकें, इस देश को आगे बढ़ा सकें। कांग्रेस के नेता वो भ्रष्टाचार के बारे में बताने का काम करेंगे कि हमने इतने घोटाले किए हैं, देश को विकास की सुविधाओं से उसको रोक करके रखा है, विकास की गति को धीमे करके रखा है। जो लोगों को आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही है अपने कार्यकाल के अंदर, वो भी बताने के लिए। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में हैं और सभी 10 सीटों पर जीत के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और क्लीन स्वीप का दावा भी किया जा रहा है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा आपके अधिकार बचेंगे। और एक खास तौर पे अम्बाला की भूमि, जहाँ से देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, यहीं से चिंगारी फटी थी 1857 में, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था भाई। आज यहीं से आवाज जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी हिंदुस्तान में, ये मैं कहने आया हूं। बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस विपक्ष में, और ज्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला भी इन्हीं दोनों राष्ट्रीय दलों में माना जा रहा है। हालांकि इन दोनों दलों के अलावा प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां इनेलो और जेजेपी भी चुनावी मैदान में हैं। सभी दलों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन वोटिंग होने तक माहौल किसके पक्ष में बदलेगा और चुनाव परिणाम किसके हक में आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो चुनावी ऊंट है वो किस ओर करवट ले रहा है, यानी कि जनादेश किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत पंजेटा इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे, अजय चौधरी हमारे साथ जेजेपी से जुड़ेंगे, और वहीं सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं शुरू बजरंग दास गर्ग जी से, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस हरियाणा में, और लगातार जो कशुमकश है, जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, वो बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जा रहा है। बजरंग दास गर्ग जी, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है वोटिंग के लिए, महज 10 दिन का समय बचा है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं, चुनावी स्थिति, क्योंकि बड़े नेताओं के आने का भी कार्यक्रम लगभग तय है, और कांग्रेस के बड़े नेता जिनमें गांधी परिवार के सदस्य, चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, इनके कार्यक्रम कब तक तय हो जाएंगे और किस ओर आपको चुनावी मूड अभी दिखाई दे रहा है प्रदेश में? देखिए इंद्र जी, आज हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर है, इंडिया गठबंधन की लहर है, और जनता भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी है। हर वर्ग का नागरिक, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो,
मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग का नागरिक हो, आम जनता इस सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहती है। और हमेशा क्या होता है, प्रजातंत्र में वोट की चोट से जनता फैसला करती है। इस समय जनता ने मन बना लिया है, वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का काम जनता करेगी। आप देखिए, आपके सामने यहाँ जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, लोग उनसे सवाल करते हैं भी आप वोट मांगने आए हैं, आपका स्वागत है, आप बताइए हमारा क्या कसूर था, हमें लाठियों से क्यों पिटा गया, हमारे सड़कों के ऊपर हमारे लिए किले क्यों गाड़े गए, हमारे ट्रैक्टर के टायर क्यों फोड़े गए, हमें दुड़ा दुड़ा कर किसान पूछता है, हमें दुड़ा दुड़ा कर क्यों पिटा, सरकारी कर्मचारी पूछता है, आंगनवाड़ी महिलाएं पूछती है, छात्र पूछता है, और जनता के चुने हुए सरपंच पूछते हैं कि हमें क्यों पीटा गया, जवाब दीजिए, हमारे में झूठे गए ये जवाब दीजिए, 750 किसान शहीद हुए, जनता जवाब मांगती है, इनके पास कोई जवाब नहीं, जवाब ना होने कारण जनता इनका विरोध करती है, गो बैक के नारे लगाती है, काले झंडे के साथ इनका जोरदार स्वागत जगह जगह हो रहा है। आप देखिए, कोई ऐसा लोकसभा प्रत्याशी नहीं कि आप सरसा देख लो, हिसार देख लो, बयानी देख लो, सोनीपत देख लो, आपके सब रोहतक देख लो, गुड़गांव देख लो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। आप इनसे कोई बात पूछेंगे, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ना ये महंगाई की बात करेंगे, लेकिन बजरंग दास जी की बात करेंगे। बजरंग दास जी, आप अपने उम्मीदवार, अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयानों के भी सुन रहे होंगे, किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कहीं कोई गाली दे रहा है, कहीं कोई सठियाया हुआ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए कर रहा है, तो ये सब क्या है, क्या ये बौखलाहट नहीं है, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के जो आने के कार्यक्रम है, तीन बड़े कार्यक्रम छोटे से इस राज्य में रहने वाले हैं आने वाले समय में, क्या उसका कोई असर आप देख पा रहे हैं? मैं इतेंद्र जी एक बात कहना चाहता हूं, आज विरोध पूरे देश के अंदर मोदी जी का विरोध है, जो भाई को भाई से लड़ाने की बात करता है, आप 10 साल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, मोदी जी के 10 साल के बयान निकाल लीजिए, ये वो लोग हैं मोदी जी की गारंटी, क्या गारंटी, मोदी जी गारंटी थी 2 करोड़ युवाओं को आई साल नौकरी दूंगा, नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली, ये कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा, वो 100 रुपए कर दिया, ये कहा था 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आज वो सिलेंडर 250 की बजाय 1000 रुपए कर दिया, किसान की आय 2 गुना करने की बात कही गई, मगर आए तो 2 गुना नहीं, खर्चे जरूर कर दिए और किसानों को दुड़ा दुड़ा कर पिटा, ये कहा गया काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, काला धन तो नहीं लाए, काला धन वालों से करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेकर उनको क्लीन चिट दे दी, 30 बड़ी-बड़ी कंपनियों के ईडी के छापे मरवाए, उनसे पैसे वसूल करके 5-10 दिन बाद उनको क्लीन चिट देकर मोदी वाशिंग पाउडर के अंदर डालकर मशीन में डालकर उनको बेदाग साफ बनाकर बाहर निकाल दिया। ये कहते हैं गऊ हमारी माता है, गऊ मांस बेचने वाली कंपनियों से भी करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने चंदा लेने का काम किया। एक बड़ी शर्म की बात आता हूँ, कोरोना के समय में दुनिया मर रही थी, जनता मर रही थी, मगर इन्होंने तो कोरोना कंपनी को भी करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेने का काम किया। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आपके सामने तेजी इन
जी चलिए डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आपको क्या लग रहा है किस और अब क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, महज 10 दिन का समय बाकी है और अब बड़े बड़े कार्यक्रम भी होने हैं सभी के, आपकी तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पहुंचेंगे, 3 बड़े कार्यक्रम तय हैं और भी बड़े नेता पहुंचेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कुछ दिग्गज पहुंचने वाले हैं प्रदेश में, यानी कि सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो चुनावी ऊंट है वो किस और बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अभी करवट और बदलेगा या क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? देखिए जहां तक चुनावी परिणामों का सवाल है, चुनावी परिणामों के सवाल को लेकर ना आपके मन में कहीं संशय है ना मेरे मन में कहीं संशय है, संशय राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग के मन में भी नहीं है। सबको मालूम है जीतेगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, विजयश्री तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ही आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी कहते हैं, उनका वीडियो मैंने एक देखा, राहुल गांधी कह रहे थे कि हम जनता के बीच में जाकर कुछ भी कहें, अर्थात वो जितना मर्जी झूठ बोलें, राहुल गांधी और बजरंग दास गर्ग कितने भी झूठ गपोड़ परोसें, जनता इन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करती, इनकी सच्ची बातें भी झूठ लग सकती हैं, इनकी इनकी क्रेडिबिलिटी का लेवल ये हो गया है। ये झूठे लोग, ये छलिया लोग, ये लोग कांग्रेसी जिन्होंने 6 दशक से ज्यादा देश पर शासन किया और जमकर लूटा देश को, गरीब को बेवकूफ बनाया, गरीब के नाम पर राजनीति की, गांव के नाम पर राजनीति की और उन्हीं का नुकसान किया, इन लोगों की 2024 में ऐतिहासिक हार निश्चित है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 300 पार पिछले चुनाव में भेजा था और तब भेजा था जब ये सब बजरंग दास गर्ग से लेकर के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक ये कह रहे थे कि इनको तो हम गुजरात भेज देंगे अब की बार। जब ये गुजरात भेजने की बात कर रहे थे तब देश की जनता ने कहा था, अरे नाकारा राजनीतिक लोगों, नरेंद्र मोदी भारत की आवश्यकता है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत की तरक्की का रास्ता वो और बेहतर बनने वाला है आने वाले दिनों में, इसलिए इनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद नरेंद्र मोदी 300 से पार गए थे, भारतीय जनता पार्टी 300 से पार गई थी 19 में, और हमने 2024 का जो लक्ष्य रखा है 400 पार का, वो भी बहुत कैलकुलेशन के आधार पर, गणना के आधार पर, लोगों के विश्वास के आधार पर रखा है, हम उस लक्ष्य को पाने वाले हैं। मैं एक मजेदार बात आपके सामने रख रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं, यहां पर बैठकर बजरंग दास गर्ग ने अज्ञानता बखानी है, जानकारी के अभाव में कुछ भी बोल देने का, जैसा इनके नेता का स्वभाव है राहुल गांधी का, वही हाल बजरंग दास गर्ग का है। बजरंग दास गर्ग, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो खुद गौ मांस खाने वाले लोग हैं, 10 जनपद में गौ मांस बैठकर खाते हैं, हिंदू की छाती पर मूंग दलने के लिए केरल में इनके नेता सरेआम गौ मांस खाते हैं, गौ मांस परोसते हैं, जेएनयू में ये गौ मांस खाने वालों के साथ बैठते हैं और ये हम पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, बजरंग दास गर्ग नोट कर लें, कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े से बड़े नेता ये साबित तो कर दें कि किसी गौ मांस के व्यापारी ने हमें चंदा दिया हो। इनको तो ये भी मालूम नहीं कि बीफ की परिभाषा क्या है, इनको तो ये भी मालूम नहीं कि गौ मांस किसको कहते हैं और गौ मांस और बीफ में भी कोई अंतर होता है। आई बाई बोलते हैं, जानते कुछ भी नहीं और कहते बहुत कुछ है। बजरंग दास गर्ग सुनो ध्यान से, बजरंग दास गर्ग ध्यान से सुनो, जरा बजरंग दास गर्ग ध्यान से सुनो, मेरी बारी में मत बजरंग दास गर्ग जी जो भी इन्होंने गलत कहा, बजरंग दास गर्ग जी आप दोनों सुनिए, बजरंग दास गर्ग जी जब आपने जो बात कही वो वीरेंद्र जी को बुरी लगी या गलत तथ्य थे वो उन पर बात कर रहे हैं अपनी,
आप भी अपनी बारी आने पर अपनी बात रखिए। अभी डिबेट शुरू हुई है, अभी चर्चा शुरू हुई है। मैंने पर्सनली टैग नहीं किया। हाँ ठीक है, 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 क्या दिमाग खराब हो रखा है? नहीं वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, बजरंग दास गर्ग को रोका जाना चाहिए। वीरेंद्र जी मैं रोक रहा हूँ, उन्हीं को रोक रहा हूँ, उन्हीं को रोक रहा हूँ, लेकिन आप भी इस तरह से, आप भी इस तरह से नहीं बात कर सकते ना। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत टारगेट मत कीजिए, अपनी बात रखिएगा। अच्छा ये किस तरह से करेंगे, मैं किस तरह से नहीं कर सकता। आप रोकिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अपनी बात पूरी कीजिए। रुको 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 रुको, एक बार सुन लो मेरी, फिर जवाब दे देना। मैं सोनिया गांधी, गौमांस भक्षक सोनिया गांधी के दास बजरंग दास से ये कहूंगा कि वो ये साबित करें कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी गौमांस के निर्यातक से चंदा लिया है। हम सियासत छोड़ देंगे साहब, झूठ बोलते हैं जो खुद गौमांस खाते हैं, वो हम पर गौमांस के व्यापारियों से चंदा लेने का आरोप लगा रहे हैं। मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चंदा लेना गौमांस की बात अलग अलग विषय है सर। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर। वीरेंद्र चौहान जी मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि बात लगातार बेरोजगारी और महंगाई पर भी हो रही है, तो वही मोदी फैक्टर की भी चर्चाएं हो रही है, मोदी की गारंटी की भी चर्चाएं हो रही है, ठीक है, उस पर आप बात कीजिए जी। मुझे एक छोटी सी टिप्पणी इस पर यह करनी है, हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर मुद्दे वही हैं जो देश के सामने हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है पिछले 9.5-10 साल, इस दौरान जो हमने काम किए हैं, हम जनता को बता रहे हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाने वाले बजरंग दास गर्ग की पार्टी की जब सरकार थी तो 10 साल में 85,000 नौकरियां पक्की दी थी। मनोहर लाल जी के शासनकाल में 9.5 साल में 1,40,000 पक्की नौकरियां दी जा चुकी हैं, और जब हम चुनाव में यानी 10 साल पूरे होने पर जाएंगे तब तक हम इनसे 2 गुनी 1,70,000 पक्की सरकारी नौकरियां दे चुके होंगे। हमने हरियाणा के 1 लाख से अधिक जो नौजवान हैं जिनको इन्होंने ठेकेदारों का बंधक बनाकर छोड़ा था उनको मुक्त कराया है, उनको HKRN के माध्यम से सम्मानजनक स्थिति में ला करके खड़ा किया है। हरियाणा में हरियाणा के किसानों को 14 फसलें MSP पर बेचने का सौभाग्य मिल रहा है, हरियाणा के किसानों को उनके खाते में उनकी फसल के दाम मिल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा किसने रोका था भाई, किसान के खाते में पीसे तब ने क्यों नहीं भेजे, किसान सम्मान नहीं दी तब ने क्यों नहीं दी, और भाई न्यू बताओ तुमने MSP पे गेहूं और धान ते न्यारी कोई फसल क्यों नहीं खरीदी, कहां 2 फसलें खरीदने वाले MSP चिल्ला रहे हैं, और जो 14 फसलें खरीद रहे हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन झूठे लोगों को हरियाणा की जनता अच्छे से जानती है, समझती है, ठीक है, इनको ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आऊंगा, लेकिन और भी मेहमान है मेरे पास, और रजत पंजेटा जी है नलो से। रजत जी, बजरंग जी, तथ्यों पर बात किया कीजिए, ठीक है, आपस में व्यक्तिगत मत होइए। रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ हैं नलो से। रजत जी आपको क्या लग रहा है, अपनी पार्टी के पक्ष में किस कितना जो सकारात्मक माहौल आप देख पा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों? देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर जनता हरियाणा की विश्वास करती है, जनता का विश्वास जीतने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कठिन और विपरीत परिस्थितियों में जब भी हरियाणा की जनता आई तब तब इंडियन नेशनल लोकदल ने सबसे पहले उनका साथ देने का काम किया है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे किसानों के मुआवजों के लिए धरने की बात हो, चाहे कोई भी ऐसी स्थिति हरियाणा की जनता के सामने आई उस समय जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हरियाणा की जनता के साथ खड़ी पाई, और चाहे युवाओं के जब नशे की बात है, चाहे नशे की बात हो, तो चाहे किसान आंदोलन के समय की बात हो, कोरोना काल के समय की बात हो, तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक और उठाने का काम किया बाखूबी, और हरियाणा की जनता की आवाज बनके हरियाणा की जनता का दिल जीतने का और विश्वास जीतने का काम किया। अभी मैं बहुत सी बातें सुन रहा था, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे और भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे। भाजपा के प्रवक्ता ने 400 का जो ये जुमला एक जो बात करी, इन्होंने जुमला जो इन्होंने देने का काम किया है, और कई विषयों पर देखिए अगर ये गारंटी की बात करते हैं तो इन्होंने तो किसानों के आय दुगनी की भी गारंटी की बात की थी, जो कि ये नहीं कर पाए किसानों की, और 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख खाते में आएंगे, इनकम टैक्स कम हो जाएगा,
तेल सस्ता हो जाएगा, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार बोल के आए थे और महंगाई की कमर तोड़ के रखती जीएसटी के रेट बढ़ा बढ़ाकर। आज किसी को स्कूटर खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, वो 28% जीएसटी उसके ऊपर है, और किसी को हेलीकॉप्टर खरीदना है तो उस पर 5% जीएसटी है। आज बच्चों की किताबें खरीदनी है 28% जीएसटी है, और अगर आपको हीरा खरीदना है कहीं पे तो 3% जीएसटी है। तो देखिए, व्यापारियों के और कॉर्पोरेट टैक्स जो वसूला गया वो मिडिल क्लास से, कॉर्पोरेट टैक्स जो इनको लेना चाहिए था वो मिडिल क्लास का तो लगभग दुगना वसूला उन्होंने, उसमें इजाफा करने का काम किया। तो सारी नीतियां पूंजीपतियों के हक में बनाई, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए, पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया, लगभग आप 10 लाख करोड़ से ऊपर तो ये जो नीरव मोदी जैसे लोग हैं, माल्या जैसे लोग हैं, मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं, या DHFL का भी जो पकड़ा गया है हाल ही में, तो ऐसे बैंकों को तो चपत बहुत ज्यादा लगाने का काम किया। तो और कभी हम बात करते हैं तो किसानों के पक्ष में ये आगे आते नहीं है, ये किसानों के पक्ष की बात नहीं करते हैं, जब भी बात करते हैं तो पूंजीपतियों के पक्ष की बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बिल्कुल ही नकार दिया जाए कि इसको भी ये तो बोलने के झूठ है, जबकि अन्य मंचों के ऊपर जो नेशनल मीडिया है उन्होंने माना है कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर जो लिस्ट जारी हुई थी इलेक्शन कमीशन की साइड से, उसमें वो वहां जो है वो तथ्य सही है, चाहे वो मेगा इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात है, एक्स्ट्रा जेनेका जो वैक्सीन है उससे 502.5 करोड़ का चंदा लिया गया, इनके कैंडिडेट हैं उनसे भी चंदा लिया गया, ये जो कुरुक्षेत्र के हैं, कोयला घोटाला जिनके लिए कोयला चोर ये बोलते हैं इनके लोग, तो सबसे पहले किसने बोलना शुरू किया था उनको, भाजपा के लोगों ने, खुद मोदी जी कुरुक्षेत्र की धरती पे बोलते गए हैं। तो और घोटाला किसके सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, ये झुटला थोड़ी ना सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में 1,86,000 का कोलगेट हुआ, इसको कैसे झुटला देंगे कि कांग्रेस की सरकार के अंदर कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ, कैसे अगस्ता वेस्टलैंड को झुटला देंगे, कैसे बफोर्स को झुटला देंगे, बहुत ये घोटाले कांग्रेस के थे और इसको प्रमाणित करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी ने ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो इस बार इत्तेफाक देखिए कि एक साथ तो चुनावी मैदान में है और सुमित हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं। अन्ना आंदोलन जो है वो कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने शुरू किया था। अब मैं आप देखिए ऐसी पॉलिटिक्स, मुझे उम्मीद थी कि जो आम आदमी पार्टी है वो स्वच्छ और सुथरी पॉलिटिक्स करेंगे, जनता को भी विकल्प देने का काम करेंगे, और आखिरी में आके केवल 7 सीटों के ऊपर मान गए, पूरे देश में नेशनल पार्टी बोलते हैं अपने आप को, क्या बदलाव ला देंगे। अभी अरविंद केजरीवाल आए हिंदुस्तानी जी, बिल्कुल एक सीट पर इस बार आप हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर के, कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या कुछ स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है आपको सुमित जी? रजत जी अभी मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा, नहीं बीच में कहा सर, इतना टाइम तो बोले आप तरीके से और पूरी ईमानदारी से कुरुक्षेत्र, मुझे और भी गेस्ट उनके पास भी जाना है और कुरुक्षेत्र के लोगों का पूरा विश्वास पा रहे हैं। इंडिया अलायंस में हरियाणा प्रदेश के अंदर और खासकर पूरे देश के अंदर जो भी उम्मीदवार उतारा है वो पूरी मजबूती के साथ संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वचनबद्ध होकर देश की और प्रदेश की जनता के साथ मिल रहा है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि आज पहली बार वो इस तरीके से अपने प्रवक्ता भाई बजरंग दास गरज जी से इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है। अनाप शनाप बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और मैं तो ये कहता हूं कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते। हेलो जी जी बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। मैं कह रहा हूं कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, ये कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल अब मुरझाने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में देश के लोगों के साथ जो कुठाराघात किया, देश के लोगों के साथ जो विश्वासघात किया, देश के लोग इनको माफ नहीं करेंगे। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, मैं तो कहता हूं आप इनके किसी भी मैनोफेस्टो को मत जाओ, इनके नारों पे चले जाओ। इन्होंने बोला कि किसान को समृद्ध बनाएंगे, किसान को लाठियों से भांजने वाले ये लोग थे। इन्होंने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिंदुस्तान का सम्मान हमारे हरियाणा की बेटियों के साथ जो गलत इनकी सरकार के नेताओं ने करा है, आप देख लीजिए ये किस प्रकार से है। आप ये कर्मचारियों की बात करते थे,
और देखिए गांव की चौधर सरपंच उनको भी लाठियों से पीटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। आज ये हालात हो गए हैं कि मैं तो कुरुक्षेत्र की बात बताता हूँ आपको, मैं इनको जवाब देना चाहता मैं आऊंगा वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा अपनी बारी पर सबका जवाब दीजिए आपकी, मैं मेरी बात सुन लीजिए आप मेरी बात का जवाब जल्दी से पूरा कीजिए। कुरुक्षेत्र के ऐसे मैं आपको 20 गांव के नाम बता सकता हूं जहां पर लिखा है कि जेजेपी और भाजपाइयों की एंट्री नहीं है, एंट्री बैन कर रखी है। मतलब ये लोग कह रहे हैं 400 पार करेंगे, ये लोग कह रहे हैं 400 पार करेंगे, मतलब इनको संविधान पे सवाल उठाना है, इनको देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाना है। मेरी 31 साल की उम्र है, मैंने हमेशा लोकतंत्र सुना था। जब कहानी सुनाई जाती थी तो राजतंत्र की कहानी सुनाई जाती थी कि एक राजा होता था, राजा अपनी प्रजा के साथ जिस तरीके का व्यवहार करना चाहे कर लेता था, प्रजा उसके खिलाफ नहीं कर सकती थी। आज वही राजतंत्र भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है, तानाशाही लाना चाह रही है। लेकिन आपकी आपकी आवाज कट रही है, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। लेकिन अजय चौधरी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी से मानने वाले लोग। अजय जी आप भी अभी तक जिस पार्टी के साथ थे, जिनके नेताओं के बारे में अब तक तारीफें करते थे, उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में और उन्हीं को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं आपके नेता, तो कैसा लग रहा है माहौल फिलहाल, कैसा है और क्या कुछ आपको चुनाव के परिणाम सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो महज 10 ही दिन का समय बचा है। जिस तरह से चुनाव प्रचार चला हुआ है और हमारी पार्टी के तमाम सीनियर नेता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव गली गली और शहर के मोहल्ले में जाकर के जिस तरह से पार्टी के प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे होंगे। और जिस तरह से 4.5 साल सत्ता में सही होगी रहते हुए हमने किसान के लिए काम किया, युवा साथियों के लिए काम किया, बीसी के साथियों के लिए काम किया, माता और बहनों के लिए काम किया, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे पंचायती चुनाव में आरक्षण की बात हो, तमाम क्षेत्रीय मुद्दे आज हरियाणा प्रदेश में हावी रहेंगे। और जहां तक मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोस्तों का था वीरेंद्र जी बड़े सीनियर साथी, मैं 400 पार का नैरेटिव जो ये टाइप करना चाहते थे उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। दूसरा, विरोध करने वाले लोगों को जो इन्होंने जेल में डाला उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। और जो तमाम भ्रष्टाचार आज भारतीय जनता पार्टी के मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं वीरेंद्र जी को 4 लाइनों के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा और वो 4 लाइनें मैं इतनी गहरी कहूंगा कि बिल्कुल निचोड़ के लाए गए हैं कि झूठ से सत्य जिससे भी जारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें, सहज बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। और आज सारे भ्रष्टाचारी आपके आंगन में है, आप सबके दस्ते कर्म बारी बारी रखें, साथ वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, मगर आप योजनाएं ढेर सारी रखें। और आप इन दिनों मालिक है हिंदुस्तान के, जिसको भी चाहे जेल में भेजने की तैयारी रखें। ये हालात आज देश के हैं और हिंदुस्तान के लोग इनको देख रहे हैं, सबक सिखाने का काम करें। वीरेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह से तमाम दलों के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी हर वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप आप पर है, जो विरोध करने वाले हैं उनको जेल भेजने का आरोप आप पर है, और यहां तक कि ईडी और सीबीआई का दबाव बना करके कुछ लोगों को अपने साथ लेने का भी आरोप आप पर है, इस तरह के तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। और इस बार अगर हरियाणा की मैं बात करूं, मैं सिर्फ हरियाणा की 10 सीटों की अगर बात करूं, तो कई सीटों पर काफी स्थिति जो है वो कमजोर सी भी दिखाई दे रही है, इस तरह की भी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं, और प्रधानमंत्री मोदी 3 बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। देखिए तो क्या कुछ लग रहा है कि क्या मुश्किलें हैं इस बार, वो 2019 का जो रिजल्ट आया था उसको रिपीट करने में? देखिए 2019 का जो परिणाम है हम उसको सहजता से रिपीट कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव हमारे विपक्षी भी ठीक से लड़ पा रहे हैं, लेकिन साहब 1-2 ही हैं, शेष पर ये कहीं नहीं है, ये 3-13 में कहीं गिनती में नहीं है। 1-2 सीटें निश्चित तौर पर ऐसी हैं जहां इनके प्रत्याशी, उन्होंने जान झोंक रखी है, लेकिन जान झोंकने के बाद भी वे जीत के आसपास नहीं पहुंचने वाले हैं। मैं जो आप कह रहे हैं कि विरोध करने वाले लोग हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नाराज हैं, मैं ये कहता हूं कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सबके सब लोग तो राजा राम पर प्रभु श्री राम से भी कभी प्रसन्न नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। कुछ लोगों की कुछ नाराजगियां हो सकती हैं, कुछ लोगों की कुछ शिकायतें हो सकती हैं,
परंतु हमसे कुछ लोग नाराज हैं ये मैं मान लूंगा, उन्हें हम मना भी लेंगे, मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चुनाव के मतदान के दिन तक उनमें से बड़ी संख्या में लोग मान जाएंगे, हमको भरोसा भी है, लेकिन हरियाणा की जनता ये तो माने हुए बैठी है और हमारे विपक्षी भी मन में मानकर बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं कोई मुकाबला करने की स्थिति में ये लोग नहीं है। देखिए नजारा क्या है, कांग्रेस दम भरती है, हुंकार भरती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर कांग्रेस के पल्ले देसी में कर्णा हो दाणे होते तो क्या कांग्रेस गठबंधन करती उस अरविंद केजरीवाल से जिस अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता आप ही के चैनल पर मेरे साथ बैठकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा का गुड्डा बता रहे थे कल परसों तक? बिल्कुल भी नहीं करते। और मैं एक बात और जोड़ता हूं इसमें कि भारतीय जनता पार्टी का भय इतना है हमारे प्रतिपक्षियों के मनों पर, उनके चहन में इतना उनके ऊपर छाया हुआ है कि वे आपस के तमाम मतभेद भुला करके एक दूसरे से जा चिपके हैं। ये जो इकट्ठे हुए लोग हैं हमारे खिलाफ, जो इंडी गठजोड़ है, घमंडिया गठबंधन भी हम उसको कहते हैं, ये इकट्ठे देश में होने की जो नौटंकी कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित जीत के कारण भय खा करके यहां आए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत इधर उधर की लंबी चौड़ी बातें हांक रहे थे। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल अर्थात भारत की राजनीति का वो किरदार, वो शख्स, ऐसी शख्सियत जो बिल्कुल भी विश्वास के योग्य नहीं है, साधारण लोग उसको मानते हैं। अरविंद केजरीवाल का मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को याद कराना चाहता हूं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे की पीठ पर, उनके कंधे पर यह कहकर सवार हुआ था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, राजनीति कभी नहीं करूंगा, सियासत में नहीं जाऊंगा। सबसे पहला छल किया अन्ना हजारे के साथ, सियासत में कूदा। ये व्यक्ति जब राजनीति में आया तो कांग्रेस के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगाकर आया था और ये कहा था टेलीविजन कैमरा के सामने अपने बच्चों की सौगंध खाकर, कसम खाकर, कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो आदमी बच्चों की कसम खाकर कर सकता है, जो आदमी, सुनिएगा एक क्षण सुनिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, मैं आपकी बारी में नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी, रुक जाओ मेरे भाई, अपनी बारी में बोलना ना, आपकी बारी आएगी सुमित जी आपकी भी बारी आएगी, ऐसा नहीं है कि आपकी बारी नहीं आएगी। सुमित हिंदुस्तानी जी, उनके वादे याद दिला रहे हो, मैं भी याद दिला देता हूं। ठीक है, आप अपनी बारी पे याद दिलवाइएगा सुमित जी, आप अपनी बारी पे याद दिलवाइएगा, ऐसे टोकाटाकी बीच में मत कीजिएगा। बजरंगदास जी बड़े शांत तरीके से सुन रहे हैं, अभी वो भी कहेंगे, अभी उनको भी बहुत सारी बातें कहनी है, दोनों बातें हैं, और भी लोग हैं, अजय चौधरी जी भी हैं, रजत पंजेटा जी भी हैं, बड़े शांति से सुन रहे हैं सभी बातें। जल्दी से पूरी कीजिए सर, जल्दी से पूरी कीजिए वीरेंद्र जी। मुझ पर जो मेरी पार्टी पर जो आरोप लगे मैंने चैन से सुने, बिल्कुल मैं उत्तर दे रहा हूं। जो आम आदमी पार्टी का नेता अर्थात अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रियों सहित जेल में है, सजा होने की तैयारी है, कारागार में बंद है आरोपों में, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहा है। साहब कौन अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल की एक और पहचान है साहब, कहता है मैं हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का वो निकम्मा राजनीतिक बेटा हम अरविंद केजरीवाल को कह सकते हैं, जिसने हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के किसानों के हिस्से का पानी देने से इनकार किया। अपनी बारी में वीरेंद्र जी और सुमित जी मुझे आगे बढ़ना होगा। बजरंग दास गर्ग जी,
बजरंग दासगर जी, क्या बजरंग दासगर जी जिस तरह की स्थिति हरियाणा में है, अगर कांग्रेस की बात करूं 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट तक दिखाई नहीं दे रही, दूसरी तरफ बात करते हैं क्लीन स्वीप की, किस तरह से संभव हो पाएगा? बजरंग दास जी एक बात पूरी हो जाने दीजिए, क्यों करे तेरी बात पूरी अपने नरेंद्र जी। सुमित हिंदुस्तानी जी, मुझे आवाज गिरानी पड़ेगी दोनों की। सुमित जी मैं आगे बढ़ चुका हूँ, वीरेंद्र जी सुमित जी और वीरेंद्र जी बात करने की, दोनों की आवाज गिरानी पड़ेगी मुझे मजबूरी में, दोनों प्लीज चुप हो जाएगी। अब बजरंग दास कर रहे बजरंग दास जी अपनी बात अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ। सुमित हिंदुस्तानी जी, सुमित हिंदुस्तानी जी, ये जनता डिसाइड करेगी कि कौन क्या है आप नहीं। सुमित हिंदुस्तानी जी और वीरेंद्र जी, यहाँ व्यक्तिगत होने के लिए नहीं आए आप लोग, यहाँ व्यक्तिगत रूप से दूसरे पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आए हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। सुमित हिंदुस्तानी जी और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, बहस में आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे नहीं कह सकते सुमित जी, आप सुमित हिंदुस्तानी जी, सुमित हिंदुस्तानी जी अपनी बारी में, सुमित हिंदुस्तानी जी अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। बजरंग दास जी, राजनीति का सबसे बड़ा छली, आवाज आवाज दोनों की थोड़ी थोड़ी कम कर दीजिए, हरियाणा का मुखिया बेटा जी। बजरंग दास जी आप अपनी बात कहिए, म्यूट करवाओ जितेंद्र जी, अपनी बात कहिए आप। देखिए जी, जहाँ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भय, ये सही कहा, जो देश कह रहा है, जो सभी राजनीतिक पार्टियां कह रही है, भारतीय जनता पार्टी भय और डर का माहौल पूरे देश के अंदर पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का पूरा खौफ लोगों में डाल रही है। जो भी राजनीतिक पार्टियां, जो भी नेता जनता की आवाज उठाए, जनता की समस्या उठाए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जेलों में डाल रही है। बजरंग जी ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, मेरा सवाल आपसे ये था, सिंपल सा सवाल था सर, कि आप जहां क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, आपके नेता पूरे प्रदेश में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की जीत की बात कर रहे हैं, किस तरह से किस आधार पर कर रहे हैं ये दावा? क्योंकि अगर प्रदेश की अलग अलग सीटों की बात करें तो कहीं आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, कहीं कई कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए तक नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं, चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात करूं, एक सीट तो ऐसी है जहां पर ये दोनों नेता नहीं जा रहे, बाकी सीटों पर, बाकी तमाम सीटों पर दूसरे बड़े नेता नहीं जा रहे। जितेंद्र जी सुनो जी, कुरुक्षेत्र सुशील गुप्ता का फार्म चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भरवाया खुद, वहां रैली करके जाकर आए, ठीक है। उससे पहले 6 तारीख को जब है, उससे पहले भी मैं बताना चाहता हूँ, एक जनसभा पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय बान जी, मैं भी इसमें था और वहां करके आए, और उसके बाद एक जनसभा और कुरुक्षेत्र में हुड्डा जी ने किए, 3 जनसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर चुके हैं। और जहां तक कि आपने पूछा भाई जीत का आधार क्या है, आप आंकड़े सुन लो, सरसा ले लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट फाइट में ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी हार मान चुके हैं, हार भी कितनी, लाखों वोटों से हार मान चुके हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा न्यूज चैनल बड़ा प्रसिद्ध चैनल है, आपके रिपोर्टर वहां बैठते हैं, मैं सबको पर्सनली जानता हूं, आप उनसे पूछोगे आपको पता लग गया। नहीं तो क्या इसीलिए वहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचेंगे, उदयवान चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचेंगे, या कोई और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता नहीं पहुंचेगा वहां चुनाव प्रचार करने? आपने वोटिंग से पहले ही जीत तो डिक्लेयर कर ही दी। बिल्कुल आएंगे, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, जीत की बता रहा हूँ। आपने पूछा भी क्या स्थिति है, राहुल गांधी जी भी आएंगे,
कल हिसार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 3 जनसभा करके आए हैं, आज अंबाला में जनसभा की है, करनाल में जनसभा होली, हमारी सोनीपत के अंदर होली, गुड़गांव के अंदर हमारी होली, रोहतक के अंदर हमारी होली, नारनौल के अंदर हमारी होली, बयानी के अंदर हमारी होली। कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ हमारे सीनियर नेता नहीं जा रहे? हमारे राहुल जी का परिकाया तो आपको खड़गे जी का भी कार्यक्रम हरियाणा के अंदर बन रहा है। हाँ। क्या अभी बताया तो है आपको कि सिरसा में कोई बड़ा नेता तो पहुंचा नहीं? अगर कुमारी सेलजा वहां से चुनाव लड़ रही है तो सुरजेवाला और किरण चौधरी वहीं पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं और नहीं। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा उदयभान, ये दोनों नेता दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, यहाँ पर ये नेता नहीं जा रहे। 25 तारीख की वोटिंग है, आज 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन के हमारे 2 दिन ही बतेरे, 2 दिन में पूरा हरियाणा नाप देंगे और नाप भी दिया। चलो नाप भी देंगे, शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अजय चौधरी जी, अजय चौधरी जी भी है हमारे साथ। अजय चौधरी जी, क्या लग रहा है आपको? कितना सिर्फ इतेंद्र जी, जी इतेंद्र जी आधा मिनट रहूंगा, हाँ जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। देना किसान का, चलिए कहा हम किसान देसी है, मैं पूछना चाहता हूँ किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? सिर्फ किसानों के साथ पोडल पोडल खेलती है, किसान आड़तियों को बर्बाद करने का काम किया। 1.5 महीने पहले सरसों की खरीद हरियाणा के अंदर हुआ, 1.5 महीना हो चुका है, आज तक सरसों खरीद का भुगतान नहीं, मंडियों में आज भी सरसों पड़ी है, उसका उठान नहीं। और एक बात और कहता हूँ, 5650 रुपए सरसों की MSP है, किसान ने मजबूरी के अंदर 4500 से लेकर 5000 तक खुली मंडी के अंदर सरसों बेचकर 650 से लेकर 1000 रुपए क्विंटल तक अपनी सरसों मजबूरी में बेचने का काम किया। ये कहते हैं किसान देसी है, इन्होंने पूरी तरह से किसान को बर्बाद करने का काम किया। पहले किसान अपनी फसल मंडी के अंदर लेके आता था, ओपन मंडी के अंदर माल उतारता था, माल बेचता था, 2 घंटे के अंदर माल बेचकर पैसे लेकर घर चला जाता था। आज वहाँ क्या स्थिति है? बॉर्डर बॉर्डर खेलती है, बॉर्डर का चलता नहीं, जिसके 500 क्विंटल सरसों हुई दर्द करते हैं, 60 क्विंटल पूछने वाला मैं आऊंगा आपके पास सुरेंद्र जी, क्योंकि और भी मेहमान है, फिर लोग कहेंगे कि ज्यादा पक्षपात हो रहा है, तो पक्षपात बिल्कुल नहीं मेरी तरफ से, मैं पूरा मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा, आपके पास आऊंगा, आप नोट करके रख लीजिए, जवाब जरूर देना। लेकिन अजय चौधरी जी, क्योंकि चुनाव चल रहा है, बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, तो ऐसे में कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि जेजेपी टक्कर देगी अभी तक, क्योंकि बीजेपी के साथ थे, अब बीजेपी के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना? सर प्रत्येक सीट पर हमारे कार्यकर्ता जोन वाइज हर बारी बढ़ा करके और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी को जोन में डिवाइड करके हर जोन में हर बारी बढ़ा करके, और जो हमारे बूथ लेवल एजेंट थे, बूथ सखी थी, बूथ योद्धा थे, वहां पर भी कमेटियां बढ़ा करके हम पूरी तरह से मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता को करना है। और मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि जहां तक मुझे, मैंने हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास को देखा है, एमरजेंसी के बाद ये हिंदुस्तान के इतिहास का दूसरा ऐसा चुनाव है जो सीधे रूप से जनता या किसी राजनीतिक दल के बीच में लड़ा जा रहा है। एमरजेंसी के बाद का जो चुनाव लड़ा गया था वो कांग्रेस और जनता के बीच में लड़ा गया था, और हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। इस इलेक्शन में भी हालात इसी तरह के हैं, हिंदुस्तान की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। हिंदुस्तान की जनता जहां कहीं भी ये लगेगा कि ये प्रत्याशी चाहे वो निर्दलीय भी क्यों ना हो, किसी क्षेत्रीय दल का हो या राष्ट्रीय दल का हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में सक्षम है, जनता डायल्यूट होकर के उसमें टमेटी को प्रत्याशी को वोट डालने का काम। अजय जी एक बात तो चलो मैं मान भी लेता हूँ, एक बात मान लेता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जनता, लेकिन आप ये किस तरह, किस आधार पर कह सकते हैं कि वो वोट आपको ही करेंगे अगर बीजेपी के खिलाफ है तो? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वोट करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का इलेक्शन है कि जिसके बारे में चुनावी मैदान में तो आप भी है ना, आप नहीं चाहते क्या जनता का वोट? आप मेरी बात सुने, अगर जनता को किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर ये लगा कि जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में है, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी और हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। ऐसी कितनी सीटें मान रहे हैं आप? मैं 5 से 6 सीटें मान रहा हूँ। आपको यकीन है कि 5 से 6 सीटों पर टक्कर दे पाएंगे आप, इतनी जमानत बचा पाएंगे आपके उम्मीदवार? बिल्कुल मजबूती से।
चलिए रजत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी आपको क्या लग रहा है, इनेलो पाची का क्या कुछ चुनावी परिणाम देखने को मिल सकता है, क्या कुछ संभावनाएं आपको लग रही? देखिए संजय जी, इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष के अंदर बहुत जनता जो है बड़ा पॉजिटिव वे में देखती है और ऐसा क्षेत्रीय दल के रूप में देखती है जो जनता की मुद्दों को सही में उठाने का काम करेगा, और कोई भी जनता के साथ अगर उनके हितों के साथ कुठाराघात होगा तब भी मुखर होके सड़क से लेकर चाहे हरियाणा का विधानसभा का सदन हो चाहे लोकसभा का सदन हो वहां पे मुखर रूप से उठाने का काम करेगा, ऐसे नहीं कि चुप होके बैठ जाएगा। आपने शुरुआत में कहा कि मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में, आपके इस बयान से मुझे आपत्ति है। आप कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते तो सभी पार्टी के लिए कोई ऐसा मैसेज ना जाए। जब बजरंग दास जी कांग्रेस के प्रवक्ता सीधा बोलते हैं कि सत्ता के अंदर भाजपा का कैंडिडेट कहीं मुकाबले में नहीं है, हिसार के अंदर जिस तरीके से विरोध हो रहा है जनता का वो सबके सामने है, गुड़गांव के अंदर भी मैं इनको कहीं मुकाबले में। रजत जी मैं आपको थोड़ा सा साफ कर दूं, स्पष्ट कर दूं, ज्यादातर सीटों पर मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि हर जगह पर मुख्य मुकाबले में है, और ये स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ सत्ता पक्ष है दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल है तो इनके बीच में ही मुख्य मुकाबला माना जाएगा, इस तरह की बातें तो चल रही है, ये कोई अलग बात तो नहीं है कि मैंने कोई अलग से कह दी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको खुद बता रहा हूँ। हाँ। मैं तो आपको पांच ऐसे लोकसभा क्षेत्र बता रहा हूँ जहाँ भाजपा मुकाबले में ही नहीं है। तो आप मानते हैं पांच सीटों पर है? पांच सीटों पर मैं मानता हूँ मुकाबले, तो बस फिर मान लीजिए ज्यादातर सीटों पर है, क्योंकि अलग अलग सीटों पर कहीं कोई होगा कहीं कोई होगा, तो ज्यादातर सीटों पर है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, पार्टी आपकी कहां पर कितना दम रख रही है। नहीं नहीं हितेंद्र जी, आपने तो सिर्फ सिरे से ही ऐसे कर दिया कि दो पार्टियों की आप सीधा बात कर रहे हैं, यानी फिर तो आपके हिसाब से ईवीएम में ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी की। नहीं सर, आप अपने चुनावी मैदान में अपने मजबूत कैंडिडेट आपने उतारे हैं, आपको लगता है आपके मजबूत कैंडिडेट हैं, आप बताइए ना, आप खुद कह रहे हैं ना सर, रजत जी आप खुद कह रहे हैं ना पांच सीटों पर हैं, ये तो आप मान रहे हैं कि पांच सीटों पर बीजेपी कांग्रेस है मुख्य मुकाबले में, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप ही कह रहे हैं, और ये सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चलती हैं उसके आधार पर बात करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, आप अपना बताइए कि आप 10 की 10 सीटों पर जीतने वाले हैं या नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्लियरली। हितेंद्र जी, मैं किसी को कभी गलत बात पे ना टोकता हूँ ना टिप्पणी करता हूँ, आपसे पक्ष पूछ ही रहा हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ, सुनता नहीं हूँ हितेंद्र जी। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, आप बाइट सुनिए, मैं आपको बेफालतू में नहीं बोलूंगा, मेरी ऐसी आदत नहीं है। आपने मुख्य मुकाबला दोनों के दोनों बीजेपी और ज्यादातर सीटों पर है, ठीक है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। हाँ जी, अब आती है इंडियन नेशनल लोकदल की बात। इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष के अंदर बड़ा अच्छा माहौल है और सभी सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो बहुत कड़ी टक्कर दे रही है, और जहां तक आपकी इंडियन नेशनल लोकदल आप जो सीटें सीधा सीधा पूछना चाहते हैं, जहां सीधा सीधा हम जीत रहे हैं, पूरा जनता का जो विश्वास हमने जीतने का काम इस तो पूरे हरियाणा में का है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल सिरसा के अंदर, हिसार के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, आपको गुड़गांव के अंदर और आपको साथ में सोनीपत के अंदर बहुत कड़ा मुकाबला देने जा रही है। और ये आज जनता का जो माहौल है भाजपा के खिलाफ, अभी दो चार बातें कर रहे थे, बीफ कंपनियों से चंदा नहीं लिया, बीफ में अंतर बताइए, अरे आपके खुद के एमएलए चलाते रहे हैं, अलदुआ कंबी, संगीत सोम किसके थे, भाजपा के, मुजफ्फरनगर के अंदर इनका बड़ा अच्छा रोल रहा है, पूछिए इनसे किस चीज के अंदर रोल रहा है। एचकेआरएन में कह रहे थे मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा, मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा, मैं हरियाणा के साथ आई, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आपको अनाप शनाप बोलने की आदत है, पता है नहीं आपको, फिर कहते हैं कि मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं तो खुद ही चुनौती दे रहा हूँ, करिए साबित, करिए प्रमाणित, करिए प्रमाणित, ठीक है, प्रमाणित करिए, प्रमाणित करिए, प्रमाणित करिए, सुन लेंगे, मेरे पास ये मतलब कुछ भी बोल के चले जाओगे, कुछ भी बोल दोगे जो मन में आएगा, ये गलत बात है। सुमित जी ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, आप बीच में टिप्पणी ना करिए, 500 रुपए महीना की बात करते हो, उसका किसान सम्मान निधि, उत्तर देने दीजिए साहब, बहुत हो गया आए दूनी की बात की थी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, ठीक है सुमित हिंदुस्तानी जी, आपने फसल सुमित हिंदुस्तानी जी कुरुक्षेत्र की सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी 9 सीटों पर आप समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को, क्या कुछ स्थिति आपको प्रदेश में दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि बाकी दूसरे दल भी हैं वो भी
चुनावी दम भर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, चैनलों की बात है, बीजेपी की बात है, और बीजेपी तो सभी के सभी एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है। ठीक है रजत जी, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ पहले दिन से लगा हुआ है। हम लोग तो आपको ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, देश का तानाशाह हारेगा और इंडिया की एक ईमानदार और देश के लिए, देश के लोगों को प्यार करने वाली, किसान को प्यार करने वाली, मजदूर को प्यार करने वाली, उनके दर्द को समझकर उनके दर्द को दूर करने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिल्कुल मजबूती के साथ। और रही बात हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश हमेशा से जब भी उसने वोट डाली है वो विश्वास के ऊपर वोट डाली है। और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, पिछले 10 साल में जिन्होंने राज किया है वो इस चीज को मान के बैठ गए कि हम जैसे भी चलाना चाहे ये लोग वैसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा अजय चौधरी जी ने, बिल्कुल ये बात मैं इनकी बात से सहमत करता हूं कि अब की बार जो चुनाव होगा वो एक तानाशाह के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है और जनता इस तानाशाह को देश की राजनीति से, इस राजनीति से। वीरेंद्र चौहान जी का आखिरी कमेंट सर प्लीज, जल्दी से। वीरेंद्र जी, मुझे 10 की 10 सीटों पर मुकाबला कहां किसके बीच में है मैं उसको यूं कहता हूं, 10 की 10 सीटों पर मुकाबला भाजपा बनाम बिखरा हुआ विपक्ष इस तरह से है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मजबूती से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ अपने किए हुए कामों का विवरण लेकर के जनता के बीच में जा रही है। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस अपने भीतर की जूतम पेजार से घिरी हुई है और आपस में भी जो इनके जो गठबंधन पार्टनर है उनका क्या हाल है आपको मालूम है? प्रतिपक्ष देखिए ये गलत हो रहा है कि नहीं, ये क्या बदतमीजी है भाई, आपने अपनी बात रखी, क्या बदतमीजी है उनसे? अब मैं उनसे फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, क्या बदतमीजी है ये? इस तरह से बिल्कुल अंत में है, बिल्कुल अंत में, इस तरह से खराब मत कीजिए चीजों को। जितेंद्र भाई नहीं, ये गुंडागर्दी है ना, इन गुंडों को, इन राजनीतिक गुंडों को हरियाणा की जनता के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। धीरे पैर शब्द पे आ गए हैं, ये प्रोफेसर है, तुम्हारी गुंडाई भाजपा मोदी और मनोहर जी का काम बोलेगा। अरे मनोहर जी का नाम बोलेगा, मनोहर को तो तुमने बाहर निकाल दिया, उसकी मुख्यमंत्री छीन ली, मनोहर को तो तुमने बाहर निकाल दिया। अरे मनोहर को किसने बाहर निकाला? उसको मुख्यमंत्री से क्यों हटाया बताओ? भ्रष्टाचारियों का मुख्यमंत्री से क्यों हटाया मनोहर लाल खट्टर को, ये बताओ? वोट की चोट से पीटा जाएगा, मनोहर लाल खट्टर को चोट से भ्रष्टाचारियों को पीटा जाएगा। 25 तारीख को इन भ्रष्टाचारियों के गठजोड़ को जमकर खोलेगी जनता हरियाणा की। 25 को इनका इलाज एक बार फिर से हो जाएगा, 25 तारीख को अरविंद केजरीवाल का भी इलाज होगा, हुड्डा का इलाज भी होगा, मनोहर लाल खट्टर का इलाज भी होगा और अभय सिंह चौटाला का इलाज भी हो जाएगा। 25 तारीख को भारत, मनोहर लाल तारीख को हरियाणा की जनता, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान, सारे एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। चलिए मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा है नहीं, कमल खिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, बहुत शुक्रिया बजरंग जी आपका भी, शुक्रिया अजय चौधरी, रजत पंजेटा और सुमित हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हरियाणा में चुनावी माहौल लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, सियासी जो ऊंट है वो करवट भी बदलता हुआ नजर आ रहा है और बड़े दिग्गजों का आगमन भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस के भी दिग्गज नेता पहुंचेंगे, उनके भी कार्यक्रम तय होने वाले ही हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज कहां कहां पर रैलियां करेंगे और प्रधानमंत्री जिन जगहों पर रैलियां करेंगे वहां पर क्या कुछ जनता का मूड वो बदल पाएंगे और कितना मजबूती से अपनी पार्टी का यहां पर पक्ष प्रचार जो है वो कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो किसके हक में चुनाव परिणाम हरियाणा में देखने को मिलेंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।